ऐसे हम 8 दिन में वर्कशॉप करते थे, 8 दिन को कम किया 7 दिन, 7 दिन को स्पेशली आप लोग के लिए कम किया 5 दिन। ठीक, 5 दिन में चलना है, किसी ठोस जगह पहुंच जाए ऐसा हम सबकी अपेक्षा रहेगी। तो थोड़ा मैं फास्ट भी चलने की कोशिश करूंगा और आप भी थोड़ा सा ग्रिप बना के चलें। चलिए, कितने लोग हैं जो ब्रेक के बाद आए, लंच के बाद आए? 1 2 3 4 5 6 7 8, अंकित भाई एक बार आप ब्रीफ में आपकी रिपोर्ट रख दें और मैंने जो बोला है मैं ब्रीफ में रख दूंगा ताकि इनको हम शामिल कर पाए। की जो चर्चा हुई है उसमें सबसे पहली चर्चा ये थी कि सबसे पहले शादी क्यों करनी है, उसका हाँ या ना, और दूसरा बच्चे क्यों करने हैं, उसमें हाँ या ना। तो उसमें अभी तक हमारी बाहर समाज में जो समझण है, अभी जो लोगों के बीच में, उसकी चर्चा एक हुई सबके बीच में, और लोगों के जो विचार है वो एक्सचेंज हुए। उसके बाद, वो एक्सचेंज होने के बाद एक सर्वे किया गया कि कौन शादी में मानता है हाँ, कौन नहीं मानता ना, कौन बच्चे बड़े करने में मानता है हाँ, नहीं करना चाहता ना, उसका स्टैटिस्टिकल सर्वे करके किया गया और रखा गया। फिर उसमें से ये निकल के आया कि जो मान्यता है अभी हमारी, उसमें कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, किसी को कोई एक्चुअल समझण नहीं है कि शादी क्यों करनी चाहिए हाँ, उसका अर्थ क्या है। अगर मैं उसे जो समझ रहा हूँ तो शादी क्यों करनी चाहिए उसकी समझण नहीं है लोगों के बीच में, और एक इनसिक्योरिटी है, फियर है लोगों के दिमाग में कि शादी करते इसीलिए हाँ, कभी बोल देते हैं इसीलिए क्योंकि और कोई रास्ता नहीं निकलता, सभी कर रहे आपको, हैं। आप 1 मिनट रोक रहा हूँ, आप अपना फ्लो बनाए रखें। कुछ हमारी शरीर की मानसिक भौतिक आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है, या जैसा आपने कहा कि वो बच्चे मिलेंगे और बच्चों से घर, है ना, हमको बायोलॉजिकल टॉय मिल जाता है। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं ये हम सबने करके देख लिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो शादी सफल हो रही है ऐसा कहना मुश्किल है। इसका मतलब है ये सभी असिस्टिंग टूल्स हैं, सहयोगी आधार हैं, शादी करने का कोई मुख्य आधार नहीं है। अब जो ये कहता है कि नहीं करना है, नहीं करना है का मतलब है कि वो इन सब समस्याओं में घुसना नहीं चाहता है। तो एक है कि मैं समस्या को फेस करना नहीं चाहता, एक है कि मेरे को अकेले रहने का कॉन्फिडेंस नहीं है। तो शायद दोनों के पास ही कोई ठोस आधार नहीं है, हाँ करने वाले भी और ना करने वाले भी, जिन्होंने शादी की है उनका भी, जिन्होंने नहीं की है उनका भी। जी एक दिमाग में इनसिक्योरिटी और फियर है, इसके कारण हाँ या ना हो जाती है। इसके बाद अगर हिस्टोरिकल एनालिसिस करें तो एवोल्यूशन कैसे हुआ, रिलेशनशिप ऑफ मैरिज में पहले आस्था थी 10-20 साल पहले, जब हमारे माताजी पिताजी और हमारे दादाजी जब करते थे शादियाँ, तब जो बोला जाता था वो हो जाता था शादी में। अभी लॉजिक घुस गया है तो अभी दोनों मेल फीमेल की सम्मति से शादियां होती है और फिर माता पिता जी होती है। उसके बाद ये फिर थोड़ा स्पष्ट किया गया कि अगर शादी हाँ या ना आपको बोलना है तो सबसे पहले अपना जीवन क्या है, तो उसका एकदम शॉर्ट एंड स्वीट ये निकल के आया कि जीवन एक कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इवेंट्स है। उसमें एग्जाम्पल सर ने दिया कि अगर कोई टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चन जिसको आता है वो हाथ खड़ा करेगा, जिसको नहीं आता है वो छुप जाएगा। तो क्वेश्चन एक प्रॉब्लम नहीं है, वो क्वेश्चन एक इवेंट है, और ये इवेंट एक के लिए वो अपॉर्चुनिटी है जिसको आता है, और दूसरे के लिए वो प्रॉब्लम है। तो लाइफ इज अ कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इवेंट्स। उसके बाद हमने ये चर्चा की ये जानना जरूरी है कि आपकी अपने जीवन में क्या लोकेशन है और आप कहाँ पहुंचना चाहते हो। फिर ये सब डिस्कशन होने के बाद एक सूत्र बाहर हमने निकाला कि प्रिंसिपल नंबर 1, समझ है तो गलती नहीं,
गलती है तो समझ नहीं, जिसका अर्थात मैं यह निकालता हूं कि मेरे पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो मुझे यह समझन है कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, क्लच कैसे दबाना है और एक्सेलरेट करना है। अगर मुझे यह समझन नहीं है तो मैं गाड़ी नहीं चला सकता। तो ये प्रिंसिपल हमने निकाला और लास्ट में यह चर्चा की कि लाइफ इज अ भाव एंड इमोशन, और लॉजिक से लाइफ को एक्सप्लेन करने जाएंगे तो कहीं वो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा और वो छूट जाएगा। तो यहाँ तक की चर्चा। सो लॉजिकल थिंकिंग होने लगा कि शादी क्यों करूं, क्या नहीं करूं, क्या है क्या नहीं, क्वेश्चंस तो आने लगे, बट अभी तक हम लोग लाइफ को समझ नहीं पाए, इसलिए हमारे पास आंसर्स नहीं है। और आई थिंक वहां पे हम लोग ने लंच ब्रेक की थी। हमने दो तरह के लोग देखे। एक तरह के लोग वो हैं जो शादी करना चाहिए, दूसरा नहीं करना चाहिए, तीसरा कंफ्यूज है कि करना ठीक लगता भी है नहीं भी लगता है, क्योंकि अपने आसपास की घटनाओं को जब ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ हमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की घटनाएं दिखाई देती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों ही घटनाओं में करने और ना करने और कंफ्यूज रहने वाले तीनों कैटेगरी का हाल एक ही जैसा है। एक व्यक्ति इसलिए शादी कर लेता है क्योंकि सभी कर रहे हैं और जो सभी कर रहे हैं उसमें चलना ठीक ही लगता है, और ना करने का कोई बड़ा कारण नहीं है, और कारण करने के कुछ छोटे मोटे आकर्षण भी हैं, और अकेले रह के भी क्या करेंगे, ऐसा भी। जो नहीं कर रहा है उसके लिए उसने अपनी जो भी उसकी जर्नी है उसके चलते जो भी नेगेटिविटी ऑब्जर्व किया है, या उसको लगता है कि मेरे को कोई साधना करनी है, मेरे को कोई समाज सेवा करनी है, इस अर्थ में शादी मेरे लिए बंधन साबित हो सकता है तो मुझको शादी नहीं करना चाहिए। तो दोनों ही मामलों में शादी क्यों करना है इसकी क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। एक दौर था जब ये क्वेश्चन था ही नहीं, एक उम्र में आने के बाद में बाय डिफॉल्ट शादी होती ही थी, है ना, उसमें क्वेश्चन ही उठाने का रिवाज नहीं था। अब एक हम दौर में आ गए हैं कि कम से कम साइंस एजुकेशन आने के बाद में हमारी लॉजिकल रीजनिंग बढ़ी है और हम हर चीज़ के बारे सोचने लगे हैं। तो कम से कम पॉजिटिव पार्ट ये है कि हमने क्वेश्चन खड़ा करना शुरू किया है और अपने आसपास को ऑब्जर्व करना शुरू किया है, और जिस तरह का एक पहले का क्लोज कम्युनिटी था जिसमें कि घर के अंदर बहुत कुछ चलता रहता था, बाहर हम अच्छा अच्छा दिखाते रहते थे, है ना, अब थोड़ा सा वो बाहर भी दिखने लगा है, कुछ मीडिया में भी दिखता है, कुछ आसपास भी दिखता है, तो अंदर उतना अच्छा नहीं चलता है जितना अच्छा हम दिखाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे इसका पता भी चला है, और धीरे धीरे एक पुराने समय में जो डिवोर्स लेना बहुत मुश्किल काम था, आज चूँकि महिला पुरुष दोनों कमाते हैं इसलिए आर्थिक रूप से कोई असुरक्षा उस तरह की नहीं रहती है भौतिक रूप में, तो फिर क्यों झेला जाए। तो पहले जिंदगी भर आस्थाओं के कारण झेल लेते थे, अब आस्थाएं नहीं बची तो क्यों झेला जाए, और आर्थिक रूप से भी, और पिता का घर भी खुला ही है, पहले वो थोड़ा बंद कर देते थे, है ना, लड़की चली गई तो अब कन्यादान कर दिया और तुम्हारा वही घर है वगैरह वगैरह। इन सारी परिस्थितियों को देखते हैं तो ये बात ठीक है कि यदि पारिवारिक संबंधों को देखा जाए तो महिलाओं ने ज़्यादा झेला है, और जिस तरह की जीवन शैली रही और पुरुषों का जैसा जीना रहा और पारिवारिक जैसा कंट्रीब्यूशन रहा, मेरे को लगता है कि हमारे एज तक हमने देखा था, घर में कोई गेस्ट आया, गेस्ट ने पूछा कि आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो बुला के बोलते थे बता दो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, उनको पता नहीं रहता था कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो पिता लोग पहले से बहुत जिम्मेदार रहे हैं, ऐसा नहीं रहा है, धीरे धीरे जिम्मेदार हो रहे हैं, लेकिन अभी भी गुंजाइश का दोनों तरफ है तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने एक बात जो अभी कहने की कोशिश की है कि जो कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं दोनों ही प्लानवाद हैं। जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि नहीं करके भी क्या करें, और गो विद द फ्लो, और जो नहीं कर रहे हैं उनको लगता है कि इतना कौन झेलेगा। दोनों ही जिंदगी जी रहे हैं ऐसा नहीं है, दोनों ही अपने अपने तरीके से अपने अपने मानसिकता में अपने बचने का रास्ता निकाल रहे हैं। कितने लोग सहमत हैं?
उनको फिर तो ये भी देखने का एक तरीका हो सकता है, हो सकता है आप सहमत ना हो, ऐसा हो सकता है, पर ये भी देखने का एक तरीका हो सकता है। तो नहीं करने को फेस करना भी खतरनाक लगता है जिनको करने का मन है, भाई नहीं करूँगा तो क्या करूँगा। तो शादी करके एक फ़ायदा है, कम से कम आदमी ज़िंदगी भर बिजी रहता है, बोर नहीं होता है ना, कुछ कुछ झंझट चलता ही रहता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बिना समझे किसी बात से सहमत होने का कोई मीनिंग है क्या? बिना समझे हम किसी बात से सहमत हो जाएं, इसका कोई मीनिंग है क्या? और बिना समझे किसी बात के विरोध में चले जाएं, इसका कोई मीनिंग है क्या? हाँ जी, पूरी सभा तक बात पहुँचाएंगे नीचे वालों। बिना समझे किसी बात से सहमत हो जाएं, उसका कोई मीनिंग है क्या? बिना समझे किसी बात से असहमत हो जाएं, उसका कोई मीनिंग है क्या? लेकिन हम शादी के मामले में यही कर रहे हैं, हम जिंदगी के मामले में यही कर रहे हैं। कुछ लोग बिना समझे सहमत हैं, कुछ लोग बिना समझे असहमत हैं। बात पहुंची? कुछ लोग बिना समझे शादी से सहमत हो गए हैं, हाँ करनी है, और कुछ लोग बिना समझे असहमत हो गए हैं, नहीं करनी है। कुछ लोग कन्फ्यूजन में हैं और करते हैं और नहीं करते हैं। तो कितना ही मॉडल निकालो, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि शादी को लेके, संबंध में जीने को लेके, जैसे जैसे एजुकेशन आगे बढ़ रही है, हमारा संबंध में जीने का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? बोलते जाओ, घटता हुआ। इसका मतलब है कि या तो एजुकेशन में भी कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस आदमी के साथ जीने का बनता ही नहीं है, तो एजुकेशन के बढ़ने के साथ साथ मशीन के साथ जीने का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि घटता है? बढ़ रहा है। तो एजुकेशन के साथ साथ मशीन के साथ जीने का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मानव के साथ जीने का कॉन्फिडेंस घटा है, क्योंकि मशीन के बारे में कोई क्लैरिटी हमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मिली, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मिली, मेडिकल साइंस में मिली। तो जितनी भी हमारी एजुकेशन है वो मशीन के बारे जीने की कॉन्फिडेंस, जीने की योग्यता हमारी बढ़ती हुई बढ़ाती हुई दिखाई देती है, लेकिन मानव के बारे जीने की कोई योग्यता हमारी बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती है। हमारी पुरानी आस्थाओं के चलते शादी को हमने जैसा भी माना था, दो आत्माओं का मिलन है, पवित्र बंधन है, जन्म जन्म का साथ है, वो तो पुरानी सारी मान्यताएं टूट गई। अब तो जन्म जन्म का साथ कहाँ दिखता है, तो कुछ सालों का साथ है ऐसे लगता है, कहीं तो हनीमून से वापस आ रहे होते हैं, नहीं चलेगा। आगे कोई रूम में सोते रह जाए तो आप लोग की जिम्मेदारी के साथ में उठा के ले आए, और कोशिश करें 3-5 तक आप पहुंच जाएं, है ना, क्योंकि पहले ही 7-8 के 7 दिन किए हैं, 7 के 5 दिन किए हैं, तो मेरे को बार बार दोहराना मत पड़े और आपकी वजह से इंतजार करना ना पड़े। तो बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करें अपने आप को, बिल्कुल आपने भी बहुत मुश्किल से वक्त निकाला है और ये सारा वक्त बहुत ऑर्गेनाइज करने में, तो बिल्कुल 3-5 तक आप यहाँ पहुँचे। मैं जानबूझ के 3:10 पे आता हूँ ताकि आपको ये मत लगे कि हम लेट आए हैं, मैं पहले आप यहाँ बैठ जाऊँगा तो आपको मेरा और टेंशन लगेगा। कहाँ पहुँचे? एजुकेशन बढ़ने के साथ साथ हमारा आदमी के साथ जीने का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा है, मशीन के साथ जीने का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। इसका मतलब एजुकेशन ने मशीन के साथ जीने की हमारी योग्यता बढ़ाई है, लेकिन मानव के साथ जीने की तो कोई योग्यता बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती है, बल्कि घटती हुई दिखाई देती है। तो इन सारी बातों को देखने से इतना ही समझ में आया कि मानव के बारे हमारी कोई समझ नहीं है, तो मेरे को कहने में कोई शंका नहीं है कि आप अपनी पत्नी को नहीं समझते हो, आपकी पत्नी आपको नहीं समझती है, आप अपने बच्चों को नहीं समझते हो। और इसका प्रमाण है कि हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से दुख पाया? जोर से बोलो, बोल नहीं पाते हो, इतना दर्द होता है सब जगह। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि और अपनों से ज़्यादा पाया कि अपने आप से ज़्यादा पाया? तो सुबह ये भी हमने चर्चा किया कि अपने आप से ज़्यादा पाया, और ये चर्चा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चर्चा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पूरी पूरी जिंदगी हमारा जन्म लेना एक घटना है, हमारी मृत्यु एक घटना है ना, हमारे शरीर में, हमारे परिवार में, हमारा घर का बनाना, जॉब का लगना, जॉब का छोड़ना, तमाम जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये घटनाओं की एक श्रृंखला है,
इन घटनाओं के साथ जीने का मेरा कॉम्पिटेंस बनता है, मेरे पास सॉल्यूशन है, तो ये घटनाएं मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हैं, और यदि ये घटनाओं के साथ जीने का मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये तमाम घटनाएं मेरे लिए समस्या है और मैं दुखी होता है ना। इस सब का सार एक ही निकला कि मेरे को मानव के बारे समझ नहीं है। तो यदि इस बात को यहाँ से आगे लेके चलें, मतलब ये बात मैंने आपको जो कहने की कोशिश की कि बिना समझे किसी बात से सहमत होना और बिना समझे किसी बात का विरोध करना, असहमत होना, दोनों का ही कोई मीनिंग नहीं है, ये बात पहुंच रही है। और हम शादी का एग्जांपल बिल्कुल यहाँ फिट होता है। हो सकता है अभी आप लोगों को कुछ असहमति मेरे से हो रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आगे चलेंगे ये क्लैरिटी हमारी बच जाएगी। तो शादी की तो बात छोड़ दीजिए, क्या हमको अपने खुद के बारे क्लैरिटी है? तो एक मानव होने के नाते, जैसे है ना, क्या नाम आपका? रीना, हिना, हिना बहन। तो हिना बहन ने जो बात कही तो किन्हीं अपनी पारिवारिक या किन्हीं अपनी जिंदगी की घटनाओं में कहीं हमको लगता है कि मेरा अस्तित्व ही नहीं है, या मेरा अस्तित्व क्या है ये मेरे को पता चले। ये बहुत मौलिक क्वेश्चन है, और उन तमाम घटनाओं को धन्यवाद दो जिनकी वजह से हम इस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं कि आखिर मेरा कोई अस्तित्व है कि नहीं है। तो शादी के पहले भी आप थी, और इस शरीर को चलाने के पहले भी आप थी, और कल पति पत्नी में से एक पहले जाएगा ये भी पक्का है, उसके बाद भी एक जन रहता है, और कोई दिन हमारा शरीर भी नहीं रहता है और फिर हम रहते हैं, ये आगे की चर्चा करेंगे। इसका मतलब है कि मेरा कोई वजूद है, मैं किसी संबंध में कभी किसी की बेटी हूँ, कभी किसी की पत्नी हूँ, कभी किसी की माँ हूँ, कभी किसी का पिता हूँ, कभी किसी का बेटा हूँ, कभी शरीर में हूँ और कभी शरीर के बिना हूँ। मैं कुछ संदर्भों को क्रॉस कर रहा हूँ ताकि समय की सीमा में हम बात पूरी कर सकें। इसका मतलब है कि मूल बात यह है कि यदि मेरे को अपने मानव होने की समझ नहीं है तो क्या अपने माँ होने का, अपने पिता होने का मैं निर्वाह कर पाऊंगा? यदि मुझको अपने मानव होने की समझ नहीं है, फिर चाहे मैं किसी भी भूमिका में हूँ, मैं एक पत्नी की भूमिका में हूँ, मैं एक पिता की भूमिका में हूँ, मैं बहन की भूमिका में हूँ, कि भाई की भूमिका में हूँ, कि कंपनी के सीईओ की भूमिका में हूँ, कि मैं मंत्री की भूमिका में हूँ, मैं आईएएस की किसी भूमिका में हूँ, अंततः मेरे को मानव के साथ में जीना है। और एक मानव को, मानव ज़्यादा समय दूसरों के साथ में जीता है या ज़्यादा जीना उसके अपने भाव और विचार में होते रहता है। मेरा सुख दुख किससे जुड़ा हुआ है? ज़्यादा समय मेरा सुख दुख दूसरों की वजह से प्रभावित होता है कि मेरे भाव और विचार में कुछ चलते रहता है, और मेरे भाव में, मेरे विचार में कोई भूतकाल की पीड़ा, कोई वर्तमान से विरोध, कोई भविष्य की चिंता है ना, अंदर ही अंदर चलते रहता है। तो मेरे को दुखी होने के लिए कभी कभी आप देखोगे, आप सुबह सुबह उठते हो और कोई कारण नहीं है और आपको अच्छा लग रहा होता है, तो आपको ये भी समझ में नहीं आ जाए आज क्यों अच्छा लग रहा है। और कभी कभी बिना ही कारण खराब लगते रहता है, तब ये भी समझ में नहीं आता कि कोई ऐसी घटना नहीं घटी है फिर भी क्यों खराब लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इतना ही है कि मेरा चित्त, मेरे भाव, मेरे विचार में जो कुछ भी रिकॉर्डेड है आज के पहले इस शरीर यात्रा का या और पहले का भी, समय समय पे वो अपने तरीके से उभर के आते रहता है। जब कुछ पॉजिटिव उभर के आता है तो उसमें थोड़ा सा ठीक भी लगता है, और कुछ नेगेटिव उभर के आता है तो थोड़ा ख़राब भी लगता है। इसका मतलब है 24 घंटे में से मैं कितने घंटे दूसरों के साथ बात करता हूँ? कितने घंटे? 2-3। और 24 घंटे में से मेरे भाव और विचार कितने घंटे चलते ही रहते हैं, रुकते ही नहीं हैं? अच्छा, बाकी 7 घंटे रुक जाते हैं? रुकते हैं? सो जाते हैं? सोते समय भाव और विचार नहीं चलते हैं? ये देखो कहाँ से आए आप? रायपुर से? रायपुर में तो ऐसा नहीं होता है। कौन सा? छत्तीसगढ़ रायपुर? अरे यार ऐसा मत बोल यार। रात को सपने आते हैं कि नहीं आते हैं?
वो भाव विचार है कि नहीं है? सपने में भी किसी ने धोखा दे दिया, पसीना छूटता है कि नहीं छूटता है? सपने में कुछ गलत हो गया, कुछ मैंने ऐसा किया जो मुझको नहीं करना था, है ना, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, खराब लगता है? खराब लगता है। सपने में भी बिना शरीर, शरीर सोया है लेकिन छूने के सारे एहसास सब होता है कि नहीं होता है? होता है। तो शरीर सोया है, मैं तो जगा ही हुआ हूँ, मैं कभी नहीं सोता हूँ, शरीर को आराम करने की स्थिति का नाम सोना है, मैं तो 24 घंटे जगा ही हुआ हूँ, मुझको कोई सोने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सोने की आवश्यकता उसको होती है जिसको थकान होती है, मैं अपने आप में अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ हूँ, मुझ में सोचने समझने की क्षमता सीमित है कि असीमित है? असीमित है। असीमित है तो असीमित में से कुछ भी माइनस करो तो क्या बचेगा? असीमित ही बचेगा। इसलिए मैं कभी नहीं थकता हूँ, इसलिए मानसिक थकान कभी स्वीकार भी नहीं होती है, शरीर की थकान हमको स्वीकार होती है, सोने से दूर भी हो जाती है, मानसिक थकान सोने से भी दूर नहीं होती है। इसका मतलब, मानसिक थकान का एक ही मतलब है, समाधान का ना होना ही मानसिक थकान है, जिंदगी को फेस ना करना ही मानसिक थकान है, जिंदगी से भागना ही मानसिक थकान है, जिंदगी को ना समझना ही मानसिक थकान है। जिंदगी को आपके सुख दुख से मतलब नहीं है, और कोई घटना आपको सुख दुख देने के लिए नहीं आई, हर घटना मेरे लिए आईना है ये बताने के लिए कि तुम्हारी सूरत कैसी है। कांच में हम अपना आईना देख, कांच में हम अपना चेहरा देख के अपने बाल ठीक कर देते हैं, शेविंग कर देते हैं, अपना चेहरा अच्छा कर देते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी का चेहरा कैसा है? तो जिंदगी का चेहरा कैसा है ये मुझको घटनाएं बताती हैं। उन घटनाओं में, उस व्यवहार में, दूसरों के साथ जिंदगी में मैं कैसे प्रस्तुत हुआ, मैंने कैसे घटनाओं को हैंडल किया, मैं नेगेटिवली कितना प्रभावित हुआ, नहीं प्रभावित हुआ, दूसरे ने मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं भी किया तो मैंने कैसा व्यवहार किया, तो हर दूसरा व्यक्ति मेरे लिए आईना है अपनी जिंदगी की सूरत को देखने के लिए। और जिंदगी को जीने से मैंने मना किया है, जिंदगी से मैं विड्रॉल मोड में हूँ, मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ, जबकि मेरे पास कोई ठोस रीज़न है कि नहीं है। यदि आपको शंका खड़ी होती है तो आपके पास ठोस रीज़न नहीं है। यदि आपने शादी नहीं करने का निर्णय लिया है और कभी भी उसके प्रति आपको कभी भी शंका पैदा नहीं होती है तो हो सकता है आपके पास कोई ठोस रीज़न है। इसका मतलब है अभी बहुत सारी चीज़ें, हमारी ज़िंदगी के अधिकांश निर्णय परिस्थितियों वश आते हैं। किसी को अच्छा दोस्त मिल गया, उसको लगता है दोस्ती से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, किसी को दोस्त ने धोखा दे दिया, उसको लगता है कोई दोस्ती नहीं होती, किसी पे ट्रस्ट मत करो, है ना, हमको लगता है सभी ट्रस्ट के लायक हैं, आपको लगता है कोई ट्रस्ट के लायक नहीं है। ये हमारे साथ घटी घटनाओं के निष्कर्ष हैं, या हमारी ज़िंदगी, हम जिंदगी को समझते हैं तो ज़िंदगी के निष्कर्ष। तो घटी घटनाओं के निष्कर्ष लेने की ताकत, घटी घटनाओं का निष्कर्ष हम कैसे लेते हैं? जिंदगी में घटी घटनाओं से सभी का निष्कर्ष एक ही जैसा होता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। वही आदमी एक नेगेटिव घटना से भी पॉजिटिव निष्कर्ष लेता है, एक आदमी पॉजिटिव घटना से भी नेगेटिव निष्कर्ष लेता है। इसका मतलब हमारा स्टेट ऑफ माइंड जैसा है वैसा हम निष्कर्ष लेते हैं। चलो सारी कहानी को समराइज करके आगे बढ़ते हैं। तो सारी इस चर्चा में मैंने एक ही लाइन कहने की कोशिश की है कि यदि जिंदगी का एड्रेस ही गलत है, यदि जिंदगी का एड्रेस ही गलत है तो कितने साल, कितने घंटे मेहनत करेंगे कि मंजिल को पा जाएंगे? हैं, बोलो। एड्रेस गलत है तो मिलेगी ही नहीं, एड्रेस गलत है तो जिंदगी मिलेगी ही नहीं। 24 घंटे भी मेहनत करें और कई शरीर यात्राएं भी मेहनत करें तो भी नहीं मिल रही। इसलिए प्रमाण क्या है? एक भी रिश्ता गिला सिंह व शिकायत, एक रिश्ता नहीं है किसी भी परिवार में, पूछने की आवश्यकता नहीं है मुझको, किसी भी परिवार में एक रिश्ता ऐसा नहीं मिलेगा जो सारी जिंदगी गिला सिंह व शिकायत से मुक्त हो। जबकि हम क्या चाहते हैं, जबकि हम क्या चाहते हैं, हर रिश्ता जिंदगी भर के लिए गिला शिकवा शिकायत से मुक्त हो जाए। तो मेरी माइक से प्रॉब्लम ज्यादा है कि मेरी मानव से प्रॉब्लम ज्यादा है?
मेरी मशीन से प्रॉब्लम ज़्यादा है कि मानव से प्रॉब्लम ज़्यादा है? तो मशीन से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मशीन में कोई भी प्रॉब्लम है, मशीन को जिस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, सुबह भी हमने चर्चा किया, समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं, मशीन के साथ प्रॉब्लम क्यों नहीं है? मशीन को समझते हैं, मशीन के साथ मशीन को समझते हैं तो उसका रिजल्ट है कि मशीन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानव के साथ प्रॉब्लम है और दूसरों के साथ प्रॉब्लम ज़्यादा है कि मेरे खुद के साथ प्रॉब्लम है? खुद के साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे भाव और विचार में भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती हुई दिखाई देती है कि घटती हुई दिखाई देती है ना? यदि उम्र बढ़ने के साथ साथ सारी सफलताओं के बावजूद ये अपनों का अपनापन, अपनों की संख्या घटती हुई दिखाई देती है कि बढ़ती हुई दिखाई देती है? घटती हुई दिखाई देती है, तो सारी मेहनत कहाँ गई? सारी जिंदगी रोज 10 घंटे 12 घंटे मेहनत किए और उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनों की संख्या घटती गई, अपनों का अपनापन घटता गया और खुद से भी प्यार घटता गया। एक बच्चे की निश्चल चंचलता देखो, वो सबके ऊपर भरोसा करता है, और हमारी जिंदगी की कमाई देखो कि हमको किसी पे भरोसा नहीं। तो जिंदगी बढ़ने के साथ साथ भरोसा बढ़े कि भरोसा घटे? चाहत तो यही है कि भरोसा बढ़ता है तो अच्छा लगता है कि भरोसा घटता है तो अच्छा लगता है? बढ़ता है तो ही अच्छा लगता है। इसका मतलब जिंदगी की कंपनी लॉस में है कि प्रॉफिट में है? लॉस में। इसका मतलब मानव की समझ आई कि नहीं आई? जोर से बोलो, नहीं आई। जोर से बोलो, जय माता दी। घटनाओं से हमारी जिंदगी में जो निष्कर्ष हम लेते हैं, वो निष्कर्ष हमारी तो भूतकाल में घटी घटनाओं के निष्कर्ष वर्तमान में काम करते हैं, और वर्तमान में हमारी जीवन शैली हमारे भविष्य को बना रही होती है। तो भूतकाल से वर्तमान जुड़ा हुआ है, वर्तमान से भविष्य जुड़ा हुआ है, और जैसी हमारी कंडीशनिंग है वैसी हमारी दुनिया बस जाती है ना? तो ये कंडीशनिंग का मतलब है कि एक मानव का अपने बारे में जो क्लैरिटी है, वो क्लैरिटी नहीं होगा तो चाहे मैं पत्नी हूँ, चाहे मैं पति हूँ और मैं पिता हूँ, कोई भी रोल में मैं यदि अधूरा हूँ तो मेरे रिलेशनशिप में तृप्ति नहीं होगी। और जिंदगी का नियम है, या तो जिंदगी ऊपर की ओर जाएगी या जिंदगी नीचे की ओर जाएगी। ये बहुत फिसलन भरी जगह है, तो या तो आप ऊपर चढ़ोगे या आप नीचे जाओगे, बीच में रुकने की जगह नहीं है, खड़े होने की जगह नहीं है। तो या तो जिंदगी में ऊपर चढ़ेंगे या नीचे चढ़ेंगे, और यदि मेरी कंडीशनिंग में नेगेटिविटी है तो मैं किधर जाऊंगा? तो मैं नीचे ही जाऊंगा। इसलिए मैक्सिमम लोगों की जिंदगी का अंतिम निष्कर्ष क्या है? सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया। ये अंतिम निष्कर्ष हमके पास हम पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण नेगेटिव है, क्योंकि हमारे निष्कर्ष नेगेटिव है। इसलिए एक बार फिर से उसको रिवाइंड करने की कोशिश करते हैं, फिर से उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से चलते हैं जहाँ हम नेचुरल थे, जहाँ हम नेचर की गिफ्ट थे, वहाँ से शुरू करते हैं और आज जहाँ पहुँच गए हैं फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका अर्थ है एक बच्चा, जब मैं एक बच्चे के रूप में एक माँ से पैदा हुआ था तो मैं बहुत मासूम था और मुझ में कोई कमी नहीं थी। मैं कैसा था? हर बच्चा जन्म से जिज्ञासु होता है, हर बच्चा जन्म से न्याय का याचक होता है, वो अपने लिए न्याय चाहता है। जिज्ञासु क्लियर है ना? कोई बच्चा ऐसा नहीं मिला होगा आपको आज तक जो 2 साल का हो गया वो क्वेश्चन नहीं पूछता है, डॉक्टर के पास आपको ले जाना पड़ा हो कि मेरा बेटा क्वेश्चन नहीं पूछता। बल्कि उल्टा है, परिवारों में ये देखने में आता है कि लोग शिकायत करते हैं कि बहुत क्वेश्चन पूछता है, और अक्सर परिवारों में बच्चे के क्वेश्चन पूछने में बच्चे को डांट दिया जाता है
कि फालतू क्वेश्चन मत करो, और धीरे धीरे कहा जाता है कि वे प्रैक्टिकल वही पूछो जो क्वेश्चन पेपर में आता है जिसमें मार्क्स मिलते हैं, बाकी बातों का कोई मतलब नहीं होता। तो हर बच्चा जन्म से जिज्ञासु है, वो तो सब कुछ समझना चाहता है। हर बच्चा अपने लिए न्याय चाहता है। यदि उसको लगता है कि दूसरे को ज़्यादा चीज़ दे दी, उसको दो टॉफ़ी दे दिया और मेरे को एक टॉफ़ी दिया, तुरंत कैसा बोलता है? उसको इस बात से नहीं है मेरे को कितनी मिली, दूसरे को ज़्यादा मिली, ठीक है? तो अपने साथ न्याय ही देखना चाहता है। और हर बच्चा जन्म से सत्य वक्ता होता है। झूठ नाम का शब्द उसकी डिक्शनरी में नहीं होता है। हर बच्चा सही जीना ही चाहता है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता है, इसलिए जो भी सिखाया जाता है वो उसको सीख ही लेता है, आगे बढ़ ही जाता है। तो हर बच्चे के पास ये चार क्वालिटी, कि वो जन्म से जिज्ञासु है, न्याय का याचक है, सत्य वक्ता है, ऐसा हर बच्चा होता ही है। अब 20 साल की एजुकेशन के साथ परिवार और समाज, परिवार और समाज सब इसके साथ मेहनत करते हैं, और मेहनत करके इसको कहाँ पहुँचा देते हैं, मानसिकता के रूप में कहें, स्किल की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम इस शिविर में कोई स्किल की बात करने नहीं आए हैं, तो मानसिकता की ही बात करेंगे। तो मानसिकता के रूप में कितने प्रतिशत लोग इस मानसिकता के साथ हैं कि धन ही सब कुछ है, सुविधा ही जीवन शैली है, और इंद्रियों में सारा सुख है? कितने प्रतिशत लोग समाज में इस मानसिकता के साथ दिखाई देते हैं कि धन ही सब कुछ है, इंद्रियों में सारा सुख है, और सुविधा ही जीवन शैली? कितने प्रतिशत? 99.99। कितने लोग सहमत इस बात से? 99.99। और धीरे धीरे आने वाले सालों में ये बढ़ेगा कि घटेगा? गांव, शहर, लंदन, अमेरिका, कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षित, अशिक्षित, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन देश, कौन है ना, महिला पुरुष, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक ऐसा मापदंड यदि मानसिकता को देखेंगे तो पता चलेगा कि पूरे विश्व में थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा के रूप में मानसिकता देखेंगे तो यहाँ खड़ी मिलेगी। इस मानसिकता के व्यक्ति के लिए, ऐसी मानसिकता के व्यक्ति के लिए संबंध ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज होगी कि साधन ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज होगा? ये संबंध के लिए साधन को यूज करेगा या साधन के लिए संबंध को यूज करेगा? हैं? साधन के लिए संबंध को यूज करेगा, साधन के लिए संबंध को यूज करेगा। तो सूत्र है, जिसका शोषण होता है वो शुष्क हो जाता है। क्या? जिसका शोषण होता है वो शुष्क हो जाता है, तो संबंध कैसा हो जाएगा? संबंध कैसा हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। संबंध का शोषण होने से संबंध शुष्क हो जाएगा। तो हम सब अपने परिवारों में क्या देखते हैं, अपनी जिंदगी में क्या देखते हैं, संबंध कैसा हो जाता है? ड्राइनेस आ जाती है। शुष्क होना मतलब ड्राई होना। तो धीरे धीरे संबंध में नीरसता आ जाती है ना? शादी होती है तो कैसा होता है? पहले होता था, आजकल तो वैसा नहीं होता। शादी होती है तो हमारे जमाने में ऐसे बोलते थे, बोले शादी के नाम पे मुंह में लड्डू फूटता है ना? अभी लड्डू फूटता है कि बम फूटता है? अब तो शादी के नाम से बम फूटता है। पहले दूसरी मान्यता थी कि बच्चों की शादी कर दिए तो माँ बाप गंगा नहाए, बच्चों की शादी कर दिए तो जिम्मेदारियाँ कंप्लीट हो गई, गंगा नहाए। अभी शादी होते ही गंगा बाढ़ जैसा घर में आती है,
है ना, तो सारी मान्यताएं बदल गई हैं, तो नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। देखिए मेरे को लगता है कि बहुत शुभ मुहूर्त है, बहुत अच्छा है जो कुछ हो रहा है। कम से कम समाज ने सोचना शुरू किया है, शादी क्यों करना है ये सोचना शुरू किया है ना। ये जितने भी मॉडल आ रहे हैं, चाहे गेज की बात करें, लेस्बियंस की बात करें, लिव इन की बात करें, कल को और कोई नया मॉडल आ सकता है, पशु के साथ का भी कोई मॉडल आ ही सकता है, डॉल के साथ का मॉडल आ गया है ना, है ना। अभी इंटरनेट पे जितना मटेरियल उपलब्ध है, पॉन्ड मटेरियल है ना, ये सारा उपलब्ध है। कल को वो क्या बोलते हैं आजकल, वर्चुअल रियलिटी, तो वर्चुअल रियलिटी और इंटेलिजेंस, ये सबका यूज वहीं होना है। इस सब का, सारी साइंस का यूज उतनी ही जगह में होना है कि आदमी को कल्पना में भोग करने का सुख कैसे दिया जाए। तो सारा जो अभी पॉर्न फिल्म देखते हैं वो कल को वर्चुअल रियलिटी से उसमें शामिल भी हो सकते हैं। ये सारे गेम आएंगे, सारी एप्लीकेशन आएंगी, ठीक, तो ये अच्छा है। और कितने लोग को लगता है ये अच्छा नहीं? आपके सोचने से क्या फर्क पड़ता है? होगा तो है, यही है, इसी को बोलते हैं घटना। वो तो घटना है, ये भी एक घटना है। सॉल्यूशन नहीं है तो प्रॉब्लम है, और सॉल्यूशन है तो अपॉर्चुनिटी है। जितना ये बढ़ेगा, बोलते नहीं थे पुराना पाप का घड़ा भरेगा तो कुछ नया शुरू होगा? अच्छा है, जितना जल्दी पाप का घड़ा भरेगा, जितना जल्दी सारे डायमेंशन दिख जाए, सब देख लें, किसी के मन में रह मत जाए हमने कुछ देखा नहीं, है ना, कर लो भोग लो, तो जितना ये सब समाज में जाएगा, एक बार को समाज में पुराने मापदंड बदलेंगे, पुरानी मान्यताएं बदलेंगी, है ना। अभी हम लोग उत्तरकाशी में शिविर में थे, एक पेयर था, उनके बच्चे एमएस करने के लिए किसी यूरोप के किसी कंट्री में है, है ना। बाप एकदम ट्रेडिशनल फैमिली से, अपनी जाति के बाहर शादी नहीं करना, लड़का फोन से बताता है मैंने दूसरा लड़का देख लिया है, अब वो बाप सदमे में है कि कम से कम यार लड़की देख लेता तेरे को देख लेती तो। तो इसमें क्या है कि अब जब उसको बेटा फोन करता है कि नहीं मेरे को दूसरी लड़की से शादी करनी है दूसरी कम्युनिटी में, जैसे आज भी हरियाणा एक राज्य है जहाँ आज भी ऑनर किलिंग बहुत कम है, लेकिन आज भी एक आध किस्सा सुनने को मिल ही सकता है, जहाँ बाप अपनी बेटी की हत्या कर देता है क्योंकि वो दूसरी कास्ट के लड़के से शादी करना चाहती है ना। अब इनकी कंडीशनिंग कब टूटेगी? जब लड़का बोलेगा मैं तो लड़के से ही कर रहा हूँ, बोलेगा यार कम से कम लड़के से कर ले, दूसरी कास्ट से कर ले, तो बार्गेनिंग ऐसे सेंटर में आएगी। बहुत सारी ये घटनाएं किसी व्यक्ति और परिवार के जीवन में घट रही होती हैं, उससे परिवार में उथल पुथल हो रही होती है, लोग दुखी हो रहे होते हैं, ये उसका एक पहलू है। लेकिन मानवता के धरातल पर देखें तो ये घटनाएं मानवता के इवोल्यूशन का एक प्रोसेस है, जिसमें कि मानव के पास कल्पनाशीलता की स्वतंत्रता है, वो सोचने के लिए स्वतंत्र है, करने के लिए स्वतंत्र है, तो उसके बाहर का जो कुछ भी कचरा है वो बाहर आएगा ही। उस कचरे का जब रिजल्ट आ जाएगा तो मानवता एज ए होल सोचने के लिए मजबूर होता है कि ये ठीक नहीं था। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूरोप ने युद्ध से हाथ जोड़ लिया, है ना, क्योंकि इतना जो युद्ध में नाश हुआ, उसके बाद मासिस में तो व्यक्ति की अकल की जर्नी अलग है, मासिस को अकल आने की जर्नी अलग है। मासिस को अकल आने की जर्नी दुर्घटनाएं ही है, ये दुर्भाग्य है, या यही प्रोसेस है, यही नियति है कि मासेस को कोई अकल आती है तो किसी बड़ी दुर्घटना से गुजर के ही आती है। वो बहुत सारे लोगों की बलि मांगता है, बहुत सारे लोग उसमें मरते हैं, परेशान होते हैं, पर क्या करें। यदि हम और समाज इसमें सोचने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि अभी हम समाज के रूप में बाजार का हिस्सा है कि हम समाज का हिस्सा है? जोर से बोलो, हम बाजार का हिस्सा है।
तो हम परिवार नहीं हैं, हम बाजार का हिस्सा हैं, क्योंकि हम सब भी किसी पैकेज और टर्नओवर की तलाश में हैं। और बच्चों के लिए माँ बाप एटीएम मशीन है, और बच्चे एटीएम मशीन बन जाएं, ये माँ बाप की सफलता है। 50 लाख का पैकेज लग गया, 1 करोड़ का पैकेज लग गया, इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है। और बच्चा अमेरिका में सेटल हो गया, तो हमारे लिए बच्चों का किसी अपने देश के बाहर सेटल होना और ज़्यादा पैसे कमाना, ये परिवार के लिए सम्मान की बात थी। संबंध का क्या हुआ, बोले उसकी चर्चा मत करो। तो ये सब होने के बाद हमने पाया कि यार निकला कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। अपना घर यहाँ खाली था, बच्चे ने एक घर जमल जाके और बना दिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बाहर ना जाए, लेकिन किस चीज़ के लिए बाहर गए थे और फाइनली क्या पाया, कभी तो उसका मूल्यांकन होगा ही कि फाइनली क्या हाथ में आया। तो इस रूप में जब देखना शुरू करते हैं, घटनाओं को टोटैलिटी में देखना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे निष्कर्ष अलग तरीके से आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि ये मानसिकता है तो संबंधों की हालत कैसी होगी। यदि हमको साधन में सुख नजर आता है, साधन में सुख नजर आता है का मतलब शरीर में सुख नजर आता है, तो संबंध एक से तृप्ति मिलेगी कि फिर अनेक की आवश्यकता पड़ेगी। कल्पना में करें कि फिजिकली करें, लेकिन आवश्यकता तो पड़ेगी, क्योंकि यदि साधन से मैं सुखी होता हूँ और जीने का विश्वास आदमी के साथ बढ़ेगा कि घटेगा, जीने का विश्वास आदमी के साथ बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो ये सब चीज़ें ये बताती हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जैसा होगा। मानव के साथ ये खूबसूरती है कि जैसा वो मानता है वैसा वो जीता है, जैसा सॉफ्टवेयर है वैसा हार्डवेयर काम करता है, जैसा वो मानता है वैसा वो जीता है। यदि उसको लगता है कि शरीर में सुख है, गाड़ी में सुख है, भोग में सुख है, तो उसके लिए हर आदमी एक साधन है सुखी होने का। और साधन से कुछ दिन बाद मन उठता ही है, दूसरे साधन को मन करता ही है, नई शर्ट, नई गाड़ी, नया मकान, नया आदमी भी उसको वैसे ही जरूरत पड़ेगी और इसी तरह की ज़िंदगी चलेगी। तो ये सॉफ्टवेयर उधर ही जाता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जैसा हो रहा है कल इससे और बेहतर तरीके से होगा, और धीरे धीरे हम स्वीकार भी लेंगे, इसलिए हम लिव इन तक पहुँच ही जाएंगे। और धीरे धीरे हम ये स्वीकार भी लेंगे कि शादी कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, डिवोर्स तो होता ही है, और जब मासिस में कोई चीज़ होने लगती है तो उसको पहले जैसा दुख भी नहीं रह जाता। हमारा बचपन पंजाब में बीता है, पंजाब में एक समय में आतंकवाद बहुत था, तो आए दिन हत्याएं होती थी। तो मार्केट में 10 मिनट पहले मर्डर हत्या आतंकवादी आए, 2-4 गोली से शूट कर करके चले गए, आधे घंटे बाद मार्केट को देख के आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ कोई मर्डर हुआ, क्योंकि वो रोज का काम है, अब आदत भी पड़ गई है। तो इसका मतलब है कि जब कोई काम मासिस में होने लगता है तो फिर हम जिंदगी को टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं कि संबंध ऐसे ही चलता है। जिन देशों में डिवोर्स रेट 50% के ऊपर है ना, जहाँ संबंध की एवरेज उम्र 4 साल है, फिर हम वैसे ही उसी को जीवन शैली मान लेते हैं। बच्चे उसी वातावरण में पैदा होते हैं और बच्चे भी ये स्वीकार लेते हैं कि ऐसे ही होता है, और उसी दुख के साथ जीना सीख लेते हैं। हाँ, उनके भीतर की मानसिक स्थिति कैसी होगी, उनकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, है ना, वो एक अलग दुनिया है, लेकिन फिर वही चलन में आ जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम उस पीढ़ी के लोग हैं, हमारी पीढ़ी मेरे को लगता है एक स्पेशल पीढ़ी है, जिसने बैलगाड़ी से लेकर स्पेस शटल की यात्रा देखी है ना। आज हम 2 करोड़ रुपए खर्च करके धरती के गुरुत्वाकर्षण के बाहर जाके धरती को देख सकते हैं, और हमने वो दिन भी देखे हैं जब हम अपने गांव जाते थे और किसी जगह में बैठ के घर गांव से बैलगाड़ी आने का इंतजार करते थे, और बैलगाड़ी में बैठ के जाते थे, और 5 किलोमीटर की यात्रा को तय होने में, आने और इंतजार करने में पूरा दिन जैसा निकल जाता था। और आज हम उतनी ही देर में धरती के पार निकल के देख के आ सकते हैं। तो हमने गाड़ी से स्पेस शटल की यात्रा देखी है, पेजर से आईफोन की यात्रा देखी है, और हमने संबंधों में हमारे समय तक या हमारी पीढ़ी तक किसी दूसरी महिला का विचार भी आना अपराध बहुत जैसा मानते थे। प्रैक्टिकली करना तो बहुत दूर की बात है, विचार भी आता है तो हम इसको अपराध बोध जैसा मानते थे। और मैं ऐसे ही किसी शिविर में चर्चा कर रहा था
कुछ साल पहले की बात है कि यदि विचार में भी ऐसा आएगा तो अपने को खराब लगेगा। एक लड़की मेरे को आके बोलते हैं कि सर आप थोड़ा सा आउटडेटेड हो गए हो, आजकल ऐसा नहीं, हम लोग को ऐसा सब नहीं लगता है, इट्स वे ऑफ लाइफ। तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ वो कंडीशनिंग, जहाँ उस तरह की कोई मान्यता नहीं है, फिर फाइनली ये सवाल खड़ा होता है कि सही क्या है और गलत क्या है, किसको सही कहा जाए किसको गलत कहा जाए। आज हम यदि अपनों से जूझ रहे हैं तो किस बात के लिए जूझ रहे हैं? अपनों से हम जूझ रहे हैं बाप बेटे और बाप बेटे के बीच में ईगो क्लैश रहेगा, सास बहू के बीच में ईगो क्लैश रहेगा, कम और ज़्यादा रहेगा, क्योंकि किसी एक को लगता है कि मैं ठीक हूँ और दूसरे को लगता है कि मैं ठीक हूँ। बच्चे जवान होते हैं तो उनको लगता है कि हम ठीक सोच रहे हैं, माँ बाप को लगता है कि हमने दुनिया देखी है, उसको लगता है कि तुम टोटली आउटडेटेड लोग हो। तो ये जो सवाल खड़ा होता है कि सही गलत का कोई सार्वभौम आधार होगा कि नहीं होगा, फिर सही गलत का आधार होगा तो वो हर मामले में होगा, तो सही और गलत का कोई यूनिवर्सल ग्राउंड होगा कि नहीं होगा, शादी करने या नहीं करने को लेके कोई यूनिवर्सल ग्राउंड होगा कि नहीं होगा, शादी स्त्री पुरुष के बीच में भी होती है कि स्त्री स्त्री के बीच में भी होती है, इसका भी कोई आधार होगा कि नहीं होगा। अब पहले की तुलना में समझ की जरूरत ज़्यादा है, पहले इतने ऑप्शन ही नहीं थे, है ना। हम तो अपने बचपन में गिनती के ऑप्शन देखते थे, दो कार थी, दो मोटरसाइकिल थी, एक थान था उसमें सबके कपड़े सिलते थे, बड़े भाई की किताब छोटे भाई को मिल जाती थी, है ना, तो गिनती का ही मामला था। हफ्ते में एक फिल्म दूरदर्शन पे आती थी, ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। इतने में समझ कम भी रहेगी चलाना बहुत आसान था। आज जितने ऑप्शन बढ़ गए हैं सारे ऑप्शंस में, आज माँ बाप अपने बच्चों को ये कहें कि मोबाइल और हम में से एक चूज कर लो, क्या पढ़ें, मोबाइल और हम में से एक को चूज कर लो, ऐसा कहने की हिम्मत कर पाए? हो सकता है ये आंसर मिल जाए कि तुम्हारे बिना तो चल जाएगा, मोबाइल के बिना नहीं चलेगा। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और जो तमाम चीज़ें जिनको हम बुरा मानते थे, कल तक बच्चों को बचाने की कोशिश करते थे, आज वो तमाम अच्छी और बुरी सभी चीज़ें एक क्लिक पे उपलब्ध हैं, है ना। जिन चीज़ों की हम कल्पना नहीं कर सकते वो तमाम ऑप्शंस, वो तमाम अच्छी और बुरी सभी, है ना, पहले बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी उपलब्ध नहीं थी, आज वो तमाम चीज़ें भी उपलब्ध हैं। इसका मतलब है कि एक ही चीज़ हमारे हाथ में है कि क्या सही गलत का कोई यूनिवर्सल मापदंड हो सकता है, क्या उचित है क्या अनुचित है वो हम सब के लिए एक हो सकता है, इसकी आवश्यकता है कि नहीं है, क्या लगता है, आवश्यकता है कि नहीं, उचित अनुचित सही गलत का कोई यूनिवर्सल ग्राउंड होने की आवश्यकता है कि नहीं, है ना। यदि ऐसा कुछ यदि नेचर में है, हम मिलके तय नहीं कर पाएंगे, जब कितने लोग मिलके तय करेंगे, तो ये कोई धरती के लोग या कोई महापुरुष मिलके तय नहीं कर सकते हैं, नेचर में ऐसा है कि नहीं है। तो यहाँ से हमको नेचर की तरफ जाना होगा और ये देखना होगा कि जैसे जैसे इसमें हमको कोई अंतर दिखाई नहीं देता है, कोई बच्चा लंदन में पैदा हो कि अमेरिका में पैदा हो कि अंटार्कटिका में पैदा हो, वो जन्म से ही जिज्ञासु होगा ही, वो अपने लिए न्याय चाहता ही है, वो सत्यवक्ता होता ही है, वो सही जीना चाहता ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल, यहाँ तक नेचर काम कर रही है। यहाँ के बाद हमारा रोल शुरू हुआ है, और हमारे रोल से हमने कहाँ पहुँचा दिया है वो हमारे सामने है। इसका मतलब है कि माँ बाप और बच्चे, माँ बाप और समाज और एजुकेशन और सिस्टम ने मिल के जो कुछ भी मेहनत की है मानसिक रूप में, उसमें हमने बच्चे को यहाँ पहुँचाया है, और ये मानसिकता जीने के लिए कितनी अनुकूल है कि कितनी प्रतिकूल है वो हमारे सामने। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कहाँ से हो गया, वो कहाँ गलती हो गई, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दो शब्द यूज करते हैं, एक शब्द हम बोलते हैं कि जीने के लिए खाते हैं, दूसरा हम यूज करते हैं कि खाने के लिए जीते हैं। तो कितने लोग यहाँ हैं जो केवल खाने के लिए जीते हैं, केवल खाने के लिए, खाखरा फाखरा मिल जाए जिंदगी सफल, एक और दूसरे का हाथ उठवाया गया है।
कितने लोग ये कहेंगे कि मैं जीने के लिए खाता हूँ, मैं जीने के लिए खाता हूँ, ठीक है, अधिकांश ऐसे ही बोलेंगे। इसका मतलब आपको जीने का पता है तभी ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। तो आप सभी ऐसा मानते ही हैं कि हम जीने के लिए खाते हैं और हम जी रहे हैं, बाय डिफॉल्ट ये निकल के आता ही है, ठीक। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जितनी हमने अभी तक चर्चा की है उसको मूल में ध्यान में बनाए रखिएगा कि किसी बात को समझे बिना उससे सहमत होना और समझे बिना असहमत होना दोनों की कोई वैल्यू नहीं है। अपनी खुद की जिंदगी को लेके जो कुछ भी हम मानते हैं और नहीं मानते हैं, दोनों में ही कोई समझ नाम की चीज है कि नहीं है। अपनी ही जिंदगी में शादी करने या ना करने को जो हम मानते हैं, बच्चे करने या ना करने को जो कुछ भी हम मानते हैं, वो किसी समझ से आता है या वो महज एक प्रतिक्रिया है या महज परंपरा का अनुसरण। या तो वो परंपरा को फॉलो करना है या वो परंपरा की प्रतिक्रिया है। तो या तो हम बिना समझे उसमें शामिल हो गए हैं या उसकी हम प्रतिक्रिया में हैं। दोनों ही बिना समझे मानना है, चाहे अपनी जिंदगी का सवाल है या जिंदगी में घटने वाली तमाम घटनाओं का सवाल है। तो दोस्तों थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि ये जिंदा रहना और जीना दो अलग अलग बातें हैं कि एक ही बात है। यहां से हमारी एक क्लैरिटी बनेगी और वहां से जिंदगी का एक नया दरवाजा खुलेगा। तो जिंदा रहना और जीना अब क्या लगता है, जिंदा रहना जीना एक ही बात है कि अलग अलग बात है? बोलिए अलग अलग। मैं डिफाइन नहीं करूं, अलग चीज़ है। हाँ बोलिए, क्या कैसे अलग अलग? पहले बोल, हो सकता है मैं डिफाइन नहीं कर पाऊं, लेकिन मेरे हिसाब से अलग 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 अलग। चलिए और कोई बोलेगा ना, मतलब सोच समझ के साथ आपको आगे बढ़ना है, जिंदगी में क्या करना है, वेरियस डिसीजन लेना है वगैरह वगैरह। चलिए और एक्सेल का प्रोसेस आपका चल रहा है बॉडी में, दैट इज यू आर लिविंग, बट जीना इज लाइक अंडरस्टैंडिंग के बेस पर जी रहे हो, यू आर टेकिंग अप डिसीजंस और यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ, ये सब है एक जीना। मतलब आप मनमानी करते हो तो आपको लगता है कि जीना हो गया? नहीं, एंजॉय करते हो, मनमानी करते हो, जो आपका मन करता है वही करते हो, जो आपका डिसीजन लेते हो वही करते हो, है ना। तो जो मैं निर्णय लेता हूँ वो सही है, मतलब मैं जैसा मानता हूँ मैं वैसा करता हूँ, इसी को मनमानी बोलते हैं। तो मैं जब मनमानी करता हूँ तो मेरे को लगता है मैं जी रहा हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ, तो मैं जी रही हूँ। तो मनमानी करते हैं तो जीना हो जाता है। જિંદા રહેના એટલે આ બધી સુવિધાને રહેવાનું બધું, અને જીના રોટી કપડા મકાન, જે આપણે રોટી કપડા મકાન અને સે જિંદા રહેના હો જાય। હા, જીના શાનદાર એસી ઓર શાનદાર ગાડી ઓર શાનદાર અને સુવિધાએ બહોત અચ્છી હોગી તો જીના હો જાયેગા। કિતને લોગો કો એસે લગ રહા હૈ? कोई समर्थन में नहीं आ रहा। घर में हेलीकॉप्टर होने से जीना हो जाएगा? मेरे ऑफिस की छत में हेलीकॉप्टर से मैं उतरता हूँ और वहीं से बैठ के हेलीकॉप्टर से ऑफिस चला जाता हूँ, तो जीना हो जाएगा कि नहीं होगा? अब तो हो जाएगा। अरे अब भी नहीं हो रहा। हाँ जी, हाँ जी, चलिए और देखते हैं। Start living and stop existing। उस वो गाना काफी अच्छा था, उसमें ऐसा था, let's make it better world for you, for me and the entire human race। तो शायद हिंदी में बताओ, हिंदी में।
एक हम अच्छा विश्व पैदा करें, आपके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए और सारे क्या होने से सब मान लेंगे कि विश्व अच्छा हो गया, क्या होने से विश्व अच्छा हो जाएगा? वो गाने में सर उन्होंने सारे एग्जांपल्स भी दिए हैं कि हमारे आसपास काफी पेन है, काफी सफरिंग है, काफी हम उसको सफरिंग है। उसको कैसे कम करें, शायद माइकल जैक्सन ने अपने हिसाब से वो गाना लिखा होगा, कोई अपने हो सकता है, से कोई लेन देन नहीं है, सबको जॉब मिल जाए। हाँ, लेकिन उस गाने का अंडरस्टैंडिंग वही था कि हम कैसे ओवरऑल आसपास के पेन कम कर पाए, सफरिंग कम कर पाए और हैप्पीनेस बढ़ाए, तो शायद वो लिविंग है। एंड हम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे जी रहे, सांस ले रहे, खाना खा रहे, तो दैट इज वो जिंदा रहना है, दैट इज एग्जिस्टिंग। जी हाँ जी, और कोई पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस? पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस से आपने जोड़ने की कोशिश की कि भाई मेरा पर्पस क्या है, मैं हूँ तो व्हाट इज माय पर्पस ऑफ इनटू दिस वर्ल्ड, मेरा क्या है, अगर मैं कुछ वो सीख पाऊँ या वो समझ पाऊँ, उस हिसाब से मैं जी पाऊँ तो शायद वो जीना होगा। हाँ, है उसको बांटेगा ही, है ना। यदि आदमी के मन में यही है कि साधन ही सुखी, साधन ही खुशी है, तो उसके ध्यान में क्या बना रहेगा, साधन कहाँ से आएगा? पत्नी आ गई तो घर में रहेगी, कहाँ जाएगी, है ना। उसकी तलाश तो कोई और चीज की है। तो जैसी हमारी मानसिकता है, जैसी हमारी मानसिकता में इनसिक्योरिटी है, हमारा सारा मूवमेंट उसके हिसाब से चलेगा। और मैं खुश नहीं हूं तो दूसरे को खुशी नहीं दे सकता। यदि मेरे भीतर कोई चीज के अभाव है, मेरे भीतर कोई चीज की इनसिक्योरिटी है, मेरे भीतर कोई, है ना, कोई और नेगेटिविटी है, तो मैं तो उस भाव विचार के साथ में हूं ही। तो जब तक एक पति के रूप में मैं स्वस्थ पति नहीं, स्वस्थ मानसिकता मेरी नहीं होती है, हेल्दी माइंडसेट नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है, तब तक कुछ ना कुछ गड़बड़ चलेगा। हाँ जी, और कोई के लिए जीने की मजा भी अलग अलग होती है। हाँ, तो दैट इज आल्सो द मेजर पॉइंट। सपोज देखिए, याद रखिएगा, है ना, जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको ध्यान में रखिएगा कि सबके लिए जीने की वजह अलग अलग होती है, ऐसा ध्यान में रखिएगा। हाँ जी, तो इसी की वजह से यू नो बोथ आर रिलेटेड, जैसी जिंदा रहना और जीने की वजह, क्योंकि मेरे साथ भी कितने लोग जुड़े हुए, उनकी जीने की वजह कोई और होती है, वो मेरे लिए मीन्स मेरी जीने की वजह कोई अलग होती है, मेरे साथ जो जुड़े हुए उनके लिए भी जीने की वजह कोई अलग होती है, तो वो मेरे लिए जिंदा रहना के मुताबिक हो जाता है। मीन्स बोथ आर रिलेटेड विद ईच अदर। लेकिन हमारे अंदर से ही कुछ मोटिवेट लाए और जीना चाहते हैं तो उसे जीना चाहते। मैंने अंदर से तय कर रखा है कि मेरे को एक दिन मेरे को मिनिस्टर बनना ही है, मेरे को IAS बनना ही है, और मैं उसके लिए 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ, तो उसे जीना कहेंगे, तो उसको जीना कहेंगे, किसी के थ्रू नहीं, कि ये सब मोटिवेशन हाँ। वीडियो देख लिया और ये जिंदा, ठीक हो गया, ऐसा भी ध्यान रखें। और कोई जीने की वजह? तो देखिए, पहले जीने पे ही बात कर लेते हैं, ये देख लेते हैं कि कब जीना नहीं होता है। जैसे दुख में जीना होता है कि झेलना होता है, अभाव में जीना होता है कि झेलना होता है। जब हम अपने आप को इनसिक्योर, असुरक्षित महसूस करते हैं तो उसमें जीना होता है कि झेलना होता है। परिवार में संबंध में क्लेश हो गया तो इसमें जीना होता है कि झेलना होता है। तो एक बात हमारे ध्यान में आ गई कि जितनी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी के साथ जीना नहीं होता है, है ना, सकारात्मकता के साथ ही जीना होता है। तो नेगेटिविटी के जाग जीना, तो ठीक है, हेलो। तो ये बोलेंगे कि नेगेटिविटी के साथ जीना नहीं होता है, अपमान के साथ जीना नहीं होता है, गरीबी के साथ नहीं होता है, अनिश्चितता के साथ नहीं होता है, क्लेश के नाश साथ नहीं होता है। तो जितनी भी नेगेटिविटी है उसके साथ जीना नहीं होता है। तो ये बोल रहे हैं कि स्वयं के प्रति विश्वास के साथ जीना होता है, स्वयं के प्रति विश्वास के साथ जीना होता है। और स्वयं के प्रति विश्वास
तो यहाँ हम इसको और क्लियरली समझें कि एक है कि गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास, तो स्वयं के प्रति विश्वास और गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास में क्या अंतर है? गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास कैसे आया? गाड़ी चलाने से आया, गाड़ी को समझने से आया। स्वयं के प्रति विश्वास कैसे आएगा? स्वयं को समझने से आएगा। तो स्वयं को कहाँ से पकड़ूं? भाई हार्ट इधर होता है, लीवर इधर होता है, किडनी इधर होती है, ब्रेन इधर होता है ना, ये स्वयं किधर होता है? मैं मन, तो मन को कहाँ से पकड़ूं, कैसे पकड़ूं, मैं कैसे पकड़ूं? देखो हम बोलते ही रह गए ना, विवाह दो आत्माओं का मिलन है, और आत्मा पकड़ में आएगी, शरीर पकड़ में आएगा? पकड़ में तो शरीर ही आया, आत्मा तो पकड़ में आएगी। तो बहुत सारी बातें हम बोलने के ढंग से बोल रहे हैं, लेकिन फाइनली प्रैक्टिकली तो हम उस चीज को नहीं पकड़ पा रहे हैं जिसकी बात हम कर रहे हैं। हाँ जी, तो मैं स्वयं को कैसे पकड़ूं, कहाँ से शुरू करूं? विचारों से है, भाव से, विचार से, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ पुराने लोग सहयोग बनाए रखेंगे, चुप रहना आपका सहयोग है, आप ये पुराने लोग देखो साथ में रहते हैं, उनके रहने के दो तीन कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये रहता है कि आप किसी को लेके आए हैं, उसके साथ रहना एक आवश्यकता है, क्योंकि उनको लगता है कि आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा और आप चलोगे तो ही चलूंगा। तो जिसका आप उद्धार करने की सोच रहे होते हैं वो पहले तो आपका उद्धार करता ही है, एक बार आपको और सुनवाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि हम उस कंटेंट को अब एक बार देख लिया, सुन लिया, लेकिन अब उसकी एक एक बारीक चीज को पकड़ते हैं। तो कंटेंट वही है, मैं भी इतने साल से बोल रहा हूँ, बोलते बोलते भी मेरे को उसी कंटेंट में कुछ नया झलक जाता है, बात वही रहती है। तो इसका मतलब है कि बात तो उतनी ही होती है, लेकिन हमारी गहराई कितनी बढ़ती है, और गहराई हमारी ध्यान देने से बढ़ती है, उस वातावरण में रहने से बढ़ती है, है ना। और बहुत सारे एंगल, कभी शिविर में कोई व्यक्ति ऐसा एंगल देता है जिसकी वजह से हम और नया सोचने के लिए बाध्य होते हैं। खैर, तो आपने कहा तो उस पर आगे बढ़ लेते हैं। तो स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है, स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है कि हमने स्वयं को पकड़ा कि मेरा भाव और विचार 24/7 काम करता है। मैं सोऊं कि मैं जागूं, मेरे भीतर कुछ चलता ही रहता है, एक अनवरत धारा घटनाओं की बाहर चलती रहती है, और एक अनवरत धारा भाव और विचार की मेरे भीतर चलती रहती है, दो धाराएं लगातार बहती रहती हैं। तो भाव और विचार के रूप में जो कुछ मेरे अंदर चलता है, ये जो मेरे भीतर चलता है, यही मेरे सुख दुख का कारण है, यही मेरे सुख दुख का कारण है। किसी ने मेरे को कोई कमेंट किया, किसी ने मेरे ऊपर कोई कमेंट किया, वो कमेंट डायरेक्टली मेरे को दुखी करता है, या वो कमेंट की वजह से आपका भाव और विचार प्रभावित होता है, और मेरे भाव और विचार के प्रभावित होने से मैं प्रभावित हो जाता हूं, ये ठीक हो गए? क्योंकि एक ही कमेंट 10 लोगों को किया जाए तो 10 एक समान परेशान होते हैं, और कोई उस बात में हंस के निकल जाएगा और कोई उसी बात में सुसाइड कर लेता है। इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति कैसे प्रभावित होता है, इससे उसका सुख दुख निर्भर होता है। तो इससे हमको पता चला कि मेरा भाव और विचार 24/7 मैकेनिज्म है, वो लगातार चलता ही रहता है। जब मेरे भाव में अभाव होता है और जब मेरे विचार में अंतर विरोध होता है, तो ये मेरे लिए दुखदायी होता है। जब मेरा भाव मुझको स्वीकार होता है और जब मेरा विचार मुझको स्वीकार होता है, इसका नाम सुख होता है। तो मेरा सुख दुख किसी दूसरे व्यक्ति के कारण है,
या मेरा सुख दुख दूसरे व्यक्ति ने मेरे भाव और विचार को प्रभावित कर दिया है और दूसरा व्यक्ति मेरे भाव और विचार को प्रभावित करता है या मैं प्रभावित हो जाता हूं, दूसरा व्यक्ति मेरे भाव और विचार को प्रभावित करता है कि मैं हो जाता हूं, जैसे गाड़ी मुझको प्रभावित करती है कि मैं प्रभावित हो जाता हूं, है ना। किसी लड़की को देख के, किसी महिला को देख के मेरे मन में कोई विचार, उसकी वजह से मेरे मन में विचार आता है कि मेरी मानसिकता की वजह से मेरे मन में विचार आता है। दूसरे के कपड़े, दूसरे की गाड़ी, दूसरे का मकान मुझको प्रभावित करता है या दूसरे की गाड़ी, दूसरे के मकान से मेरी मानसिकता की वजह से मैं प्रभावित हो जाता हूं। है ना, क्योंकि मैं कल जिन चीजों से जैसा प्रभावित होता था आज वैसा प्रभावित नहीं होता हूं। इसका मतलब मेरा माइंडसेट पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर हुआ है या थोड़ा, है ना, स्टेबिलिटी आई है। इसका मतलब है, एक तो ये हमारी भाषा बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली इस भाषा को हम यूज करते हैं कि मैं, उसने मुझको प्रभावित कर दिया गाड़ी की वजह से, किसी गाड़ी से मैं प्रभावित हो गया किसी गाड़ी ने। तो एक तो ये कि कोई मुझको प्रभावित नहीं करता, मैं प्रभावित होता हूँ, मेरी मनस्थिति के कारण प्रभावित होता हूँ, सभी उस बात से एक जैसा प्रभावित होंगे ऐसा होता नहीं। इसका मतलब है हम सबकी मनस्थिति, मन की स्थिति अलग अलग है। तो मेरे भाव और विचार की स्थिति अलग है, मेरी पत्नी के भाव और विचार की स्थिति अलग है, मेरे भाई की अलग है, मेरे साथ काम करने वालों की अलग है ना। जिस तरह से किसी मामले में वो प्रभावित होते हैं मैं नहीं होता, जिस तरह से मैं होता हूँ उस तरह से वो नहीं होते। रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रहे कि हमेशा दूसरे के हाथ में रहे? मेरा रिमोट कंट्रोल मेरी गाड़ी के ड्राइविंग सीट पे मैं बैठूंगी तो दूसरे को बिठाते रहूं? तो अभी मेरी ड्राइविंग, गाड़ी के ड्राइविंग सीट पे, जैसे कि हमने सुबह भी चर्चा किया, हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। हाथ उठाओ, जोर से उठाओ, ठीक से उठाओ, ऐसे ऐसे, इससे शोल्डर ठीक रहता है। देखा, अभी 2 घंटे पहले चर्चा हुई है और 2 घंटे में आपका मामला उड़ गया है। 2 घंटे नहीं बीते हैं, खाना खाने के पहले चर्चा हुई है और खाना खाने के बाद फिर हाथ खड़े कर दिए। अरे, खाना खाने के जस्ट पहले चर्चा हुई थी कि हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? हम क्या चीज से दुखी होते हैं? तो खाना खाने के बाद नींद खुली है कि नहीं खुली है? ऐसी जिंदगी जियोगे तो क्या निकलेगा? तो इसका मतलब यह हुआ कि समाधान का ना होना मेरी पीड़ा है कि समस्या की वजह से मैं पीड़ित होता हूं? तो समाधान का ना होना मेरी पीड़ा है, समस्या मेरी पीड़ा का कारण। धरती में कोई भी आदमी किसी समस्या से दुखी होता ही नहीं, मेरे पास उसका सॉल्यूशन नहीं है ये पीड़ा। इसलिए ब्रेक के हमने चर्चा किया कि जो कुछ भी हो रहा है सब घटना है, उस घटना का मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, ये मेरा दुख है। मेरे पास सॉल्यूशन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हमने चर्चा किया, मैडम स्कूल में क्वेश्चन पूछती थी, जिसको क्वेश्चन नहीं आता था वो क्या करता था? दूसरे की पीठ के पीछे अपना सर घुसा देता था, मैडम देख मत ले, और जिसको क्वेश्चन आता था मैडम। इसका मतलब है कि मैडम का क्वेश्चन पूछना घटना है, मेरा जन्म होना घटना है, ये शरीर मरना घटना है, परिवार में कुछ भी घट रहा है वो घटना ही है, हमें बोल रहे हैं कि घट रहा है वो घटना ही है। उसी घटना से एक आदमी सुखी होता है, दूसरा आदमी दुखी होता है, किसी का सुख किसी के लिए दुख है, किसी का दुख किसी के लिए सुख है। यदि वो घटना एक ही टाइप की होती तो हम सब एक ही जैसा सुखी दुखी हो रहे होते। इसका मतलब है घटनाएं सुख दुख का कारण नहीं है, मैं उस घटना को कैसे लेता हूँ, मेरे पास उस घटना का सॉल्यूशन है कि नहीं है,
हमारी गाड़ी खराब हो गई है, मैकेनिक के लिए अपॉर्चुनिटी है। डॉक्टर का सीजन आता है, अभी कोरोना काल में डॉक्टर का सीजन था, तो हमारी समस्या है उसका सीजन है ना, और सोच रहा दोबारा कब आएगा, पूछता होगा बाहर डॉक्टर से यार कब आएगा दोबारा कोरोना, उसका तो बिजनेस है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा दुख किसी के लिए सुख है जबकि हमारे लिए वो परेशानी है, किसी का दुख भी हमारे लिए सुख हो सकता है इन तमाम घटनाओं को देखते हैं तो इसका मतलब क्या समझ में आया, मैं दूसरा मुझको सुखी दुखी करता है या मेरे दूसरे ने कुछ किया वो एक घटना है, उस घटना का मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है इसलिए मेरा भाव और विचार प्रभावित होता है, मेरा भाव और विचार का नेगेटिवली प्रभावित होने का नाम दुख है और मेरे पास सॉल्यूशन ना होने का नाम दुख है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ये पूरी नेचर किसी नियम के साथ है कि नहीं है? यदि पूरी नेचर किसी नियम के साथ है इसका मतलब उधर कोई प्रॉब्लम है क्या? वो तो नियम के साथ है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? मेरा नियम को ना समझना ही प्रॉब्लम है, है ना? इसका मतलब प्रॉब्लमेटिक पति का इतना ही मतलब है वो किसी नियम को नहीं समझता है, प्रॉब्लमेटिक पत्नी का इतना ही मतलब है वो किसी के नियम को नहीं समझती है, और दुख की परिभाषा इतना ही है नियम का विरोध ही दुख है। जब भी जिंदगी में कोई भी दुख आया इसका मतलब है कि हमने किसी नियम को नहीं समझा है। हर दुख मात्र इस बात की सूचना है क्या तुमने नहीं समझा है उसका तुम्हारे लिए आईना है। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस एग्जिस्टेंस का डिजाइन कितना खूबसूरत है, तो शनि की साढ़े साथी आपको तंग करने के लिए नहीं आती है ना, कोई भी घटना आपको तंग करने के लिए नहीं आती है, कोई भी घटना मात्र इस बात का आईना है कि क्या समझना शेष है। शरीर में दर्द हुआ, शरीर में दर्द ना हो तो क्या होगा? शरीर में दर्द ना हो जो जहां जो जींस की वजह से शरीर में दर्द होता है उस जींस को निकाल दे तो चोट लगेगी कोई दर्द नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, तो उसका फायदा होगा कि नुकसान होगा? शरीर में कोई दर्द नहीं होगा कुछ भी हो जाए तो इसका फायदा होगा कि नहीं होगा? शरीर के दर्द खत्म हो जाएंगे, ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा ना, नहीं होगा? कोई भी चोट लगे शरीर में दर्द नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, तो ऐसा विकास हो जाएगा तो अच्छा होगा कि नहीं होगा? है नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? है हम शरीर को फिर ग्रांटेड लेने लगेंगे, मतलब वी विल स्टार्ट अब्यूजिंग आवर बॉडी इफ वी डोंट फील द पेन। देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है, दांत में हल्की सी कमी होती है वो पेन देना शुरू करता है, जैसे ही पेन देता है आप ध्यान देना शुरू करते हैं और वहीं ठीक कर देते हैं। जरा सी चोट लगती है कहीं, जरा सी चोट लगती है आपको पता भी चला कहाँ लग गई, कभी कभी तो ऐसा भी होता है, लेकिन वो हल्का सा वहाँ दर्द होना शुरू होता है तो आपको लगता है कुछ तो गड़बड़ हुई है, देखते हो अच्छा कुछ लगा है तो आप ध्यान देना शुरू करते हैं। जितनी ज़्यादा अव्यवस्था उतना ज़्यादा दर्द, जैसे जैसे वो अव्यवस्था ठीक होती है दर्द घटता जाता है और कोई दिन दर्द खत्म हो जाता है, अब ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो शरीर में दर्द होना किस बात की सूचना है? नेचर का सिग्नल है। आपकी गाड़ी में पेट्रोल का टैंक रहता है ना, उसकी सुई रहती है, तो पेट्रोल टैंक को बताता है कि भाई पेट्रोल खत्म होने जा रहा है। आप एक काम कर सकते हो, स्क्रू ड्राइवर लेके फुल भी टाइट कर दो, अब पेट्रोल टैंक हमेशा फुल रहेगा, कभी कम होगा ही नहीं, पानी मत निकाल देना। तो अब क्या होगा, रास्ते में गाड़ी कहीं भी खड़ी हो जाएगी क्योंकि अब आपको सूचना ही नहीं मिल रही, तो कहीं भी अव्यवस्था हो गई। इसका मतलब है शरीर में दर्द होना इस नेचर का मीटर है ताकि शरीर स्वस्थ बना रहे। शरीर में दर्द होना नेचर की सूचना है ताकि शरीर स्वस्थ बना रहे। जिंदगी में दुखों का आना दुखी करने के लिए नहीं है, जिंदगी में दुखों का आना दुखी करने के लिए नहीं है, मात्र इस बात की सूचना है कि कहां ध्यान देने की जरूरत है।
तुम्हारी जिंदगी में गैप कहाँ है? तो मेरी जिंदगी में कंप्लीटनेस को लाने के लिए, मेरी जिंदगी के अधूरेपन से मुक्त करने के लिए, मेरी जिंदगी के गैप्स को मैं कब भरूंगा? जब दिखाई देगा तब। और जहां जहां मैं दुखी होता हूं वहां वहां मेरी जिंदगी के गैप्स हैं। आपको किचन में खाना बनाना है तो आपको देख के, आज देख के ऐसा, दोपहर को खाना बनाना है, शाम को खाना बनाना है, सोच के घबराहट होती है आज कैसे बनेगा, क्योंकि वहां गैप नहीं है। क्योंकि आपको पता है कुछ भी नहीं, सब्जी नहीं रहेगी तो दाल बना दूंगी, ये नहीं रहेगा तो इसका छौंका उसमें, उसका छौंका उसमें, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो आपको खाने को लेकर कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, जिंदगी को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि जिंदगी की रेसिपी नहीं पता है। तो जिंदगी को लेकर घबराहट होना, शादी को लेकर घबराहट होना, बच्चों को लेकर कन्फ्लिक्ट होना, है ना, रिलेशनशिप को लेकर कन्फ्लिक्ट होना, मात्र इस बात की सूचना है कि वहां गैप है। तो उस गैप को भरने की जरूरत है कि उससे भागने की जरूरत है? सिंपल, बढ़िया, आशा की किरण जग रही, 5 दिन में काफी कुछ हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।